हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। द क्वेश्चन इज टू वुमेन एंड फाइव मैन, ठीक है, दो औरतें और पांच आदमी, दे कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, दोनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, व्हाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, अगर 3 औरतें और 6 आदमी हैं तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा वही काम। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, दोनों का अकेले अकेले का पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने सबसे पहले लेना है लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन। लेट टाइम टेकन बाय वन वूमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू एक्स डेज, एक औरत अकेला इस काम को एक्स नंबर ऑफ डेज में खत्म कर रही है, एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द सेम वर्क इज इक्वल्स टू वाई नंबर ऑफ डेज, सपोज लग रहे हैं एक आदमी को उसी काम को करने में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमने निकालना है उनका एक दिन का काम, कि अब मान लो एक काम को 10 दिन लगा रही है एक औरत, तो वो एक दिन में कितना करेगी, 1/10 काम खत्म कर देगी, 2 दिन में 2/10 खत्म कर देगी अपने काम का। सिमिलरली सपोज एक आदमी एक काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15, 2 दिन में 2/15 ऑफ दैट पार्ट कर लेगा। सिमिलरली यहां पर हमने लिया है कि एक औरत अकेले एक काम को एक्स नंबर ऑफ डेज में कर रही है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, सो वन वुमेन्स वन डेज वर्क। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वन वुमेन्स वन डेज वर्क इज इक्वल्स टू 1/x एंड वन मैन्स वन डेज वर्क दैट इज 1/y, ठीक है, हमेशा एक दिन का पहले हम निकालेंगे। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हम अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन चलते हैं। सो द कंडीशन इज, और द फर्स्ट कंडीशन इज, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो दी हुई है कि टू वुमेन्स, अब 2 दिन औरतें 2 दिन में कितना काम करेंगी, दैट इज 2 × 1/x प्लस 5 मैन दैट इज 5 × 1/y इज इक्वल्स टू, वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 4 डेज में, तो उन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट कंडीशन। अब हम लेते हैं सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन अब हमें कहा गया कि अगर वही काम 3 औरतें कर रही हैं, दैट इज 3 × 1/x प्लस और 6 आदमी कर रहे हैं तो 6 × 1/y, तो वो काम कंप्लीट करते हैं 3 दिनों में, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/3। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एज्यूम किया था, वेन एवर वी आर गेटिंग द वेरिएबल इन डिनोमिनेटर्स, तो हम उसे एज्यूम करेंगे, हम ले लेते हैं इन इक्वेशंस को, वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, लेट 1/x इज यू एंड 1/y इज वी, ये ध्यान रखना है हमने क्या एज्यूम किया है, 1/x को यू और 1/y को वी। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनी 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4, और दूसरी बन गई 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू
1 by 3. Now we will solve these two equations using any of the methods. हमारे पास तीन method है, तो किसी भी method से solve कर सकते हैं. So हम इसे elimination से करते हैं. Multiply equation number 1, equation number, अब हमारे यहाँ पे ये third वाली है, 3 by 3. थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 2, इसको 2 से कर देते हैं एंड लेटर ऑन व्हाट वी डू सब्ट्रैक्ट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, जब हमने इक्वेशन नंबर 3 को 3 से इंटू किया सो हमें क्या मिलेगा, 2u 3 into 2u plus 5v is equals to 1 by 4 into 3. दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया. और दूसरी इक्वेशन है 3u, इसे हमने 2 से इंटू किया है, into 3u plus 6v that is equals to 1 by 3 into 2. So let us solve this. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 3 2s are 6u plus 15v plus 3, sorry, this is equals to 3 by 4. Next, 2 3s are 6u plus 2 6s are 12v is equals to 2 by 3. And subtract. Now subtract the two equations. अब हमने ये साइन देखना है. So, u same terms with opposite sign get cancelled. 15 minus 12, 3v is equals to, ये हमारे पास आया 3 by 4 minus 2 by 3. LCM लेके सॉल्व करते हैं. LCM of 3 and 4 is 12. So, it become 9. 3 3s are 9 and this is 8. So, that is 1 by 12. So, 3v is equals to 1 by 12. And what we get? V is equal to 1 by 12 into 3. That is 1 by 36. ये हमें क्या मिला? V की वैल्यू 36 मिल गई. अब हम इसे किसी में भी पुट कर देते हैं. चाहे ये जो हमारी थर्ड वाली थी या फोर्थ में. तो 36 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसे फोर्थ में यूज कर लेती हूँ. So on substituting, V is equal to 1 by 36 in equation number 4. 3U plus 6 into 1 by 36 is equals to 1 by 3. 3U plus, ये cancel हो गया, 1 by 6 is equal to 1 by 3. 3U is equals to 1 by 3 minus 1 by 6 and LCM of 3 and 6 is, that is 6. तो ये 3 2s are 2 minus 1. So 3u is equals to 1 by 6 and therefore u is equals to 1 by 6 into 3, that is 1 by 18. अब हमें क्या मिला? u और v की वैल्यू मिल गई. So u is 1 by 18, but हमने u किसे अज्यूम किया था? That was 1 by x. Therefore, we get 1 by x is 1 by 18. और reciprocal करने पर x क्या मिला? 18. Similarly, 1 by y is 1 by 36. Therefore, y is 36. अब हमने x क्या assume किया था? ये था time taken by one woman to complete the work. तो एक औरत मिलकर उस काम को 18 days में complete कर लेगी. Similarly, y क्या था? It was the time taken by one man to complete the same work. तो अगर एक आदमी अकेला कर रहा है तो वो उसी काम को 36 days में complete करेगा. Thank you.